बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह आपको ठीक ठाक रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। ये देखिए, ये सामने मूली के पत्ते और सब्ज़ धनिया काट कर इसको धो कर रखा हुआ है। ये अदरक और सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट बना कर रखा हुआ है। अब इसके अंदर वो जो मूली कश किया हुआ है उसको 1 किलो मूली कश करके रखा हुआ था। अब इसके अंदर मूली डालकर इसको अच्छी तरीके से भूनना है ताकि अच्छा जायके वाली रोटी बन सके पराठा। ये जो बाज़ लोग, मैंने ये देखा हुआ है, ये कच्ची मूली जो है पराठों के अंदर डाल देते हैं, वो हर किसी का एक अपना अलग अलग तरीका है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरा तरीका चाहे अच्छा लगे या जो मुझे ये अच्छा है कि मूली के अंदर जो पानी होता है जायकेदार, उसको तो हाथ से औरतें दबा कर पानी को निकाल कर फेंक देती हैं। उसका क्या फ़ायदा पराठे में लगाने का है? अब उस गज़ाइयत तो उसकी चली जाती है, वो इतना अच्छा पराठा नहीं लगता। जब कचान जो होती है वो ख़त्म नहीं होती मूली की। जब इसको अच्छे तरीके से, अब हमने इसको भुनाई किया, करने के लिए अगर जल्दी है तो थोड़ी देर के लिए ऊपर फ्रीज में रख दे, 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा ये। हाँ, वो ठंडा हो गया। अब इसके रोटी के आटा गूंदा, इसके नमक डालकर थोड़ा सा आटा गूंदा और इसको इसकी रोटी बनाई। एक रोटी बनाकर साइड में रख दी और दूसरी टिक्की बनाई चुकी है। ये रोटी बन चुकी है, एक बना चुकी है, एक दूसरी बना रही। इसको जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए हाथ से भी मदद ले सकते हैं। ये मूली ठंडी होगी, अब इसके अंदर हाथ से भी इसको सीधा कर सकते हैं, चम्मच से भी इसको बराबर कर सकते हैं बिल्कुल। इसको रेडी करके उसके ऊपर दूसरी जो रोटी बनाकर रखी हुई साइड में, अब ये भुनी हुई मूली है ना, बिल्कुल थोड़ी सी भी लगा लो, मसाला सही से होना चाहिए। ये दूसरी रोटी इसके ऊपर लगा दो, ये साइडों में दबा कर इसको जोड़ दें। अब इसका तवा गर्म करने पे रखा हुआ है, ये देखो हाथ से इसको हल्का हल्का हाथ से इसको दबा कर इसके किनारे जोड़ गए। ये देखो तवे पे मैंने सूखा आटा थोड़ा सा डाला है कि तवा तक पता चल चुके कि गर्म हो चुका है। ठंडे तवे पे भी जब हम रोटी डालेंगे, बिल्कुल जितना भी बाद में उसको चूल्हे को तेज़ कर दो, लेकिन रोटी वो उसी हालत में सही हालत की नहीं होती। तवा गर्म हो जाए उसके बाद उसको दरमियानी आंच में कर कर पकाए। देखिए ये रोटी पक रही है, थोड़ी देर में पलट दी मैंने रोटी। अब इसके ऊपर ऑयल वगैरह घी लगाना चाहिए, अगर ऑयल लगाने वो आपकी मर्ज़ी है, घी लगाने से वो रोटी का ज़्यादा जायका अच्छा आता है। तो हम लोग तो ये ज़्यादा घी लगाते हैं रोटी पर, ऑयल नहीं लगाते। ये देखें, ये अब हम लोग इसके ऊपर घी लगा रहे हैं पराठे। इसको दरमियानी आंच पे पकाओ। देखो कच्ची मूली लगाने का ये होता है कि मूली पकती नहीं, रोटी आटा पहले पक जाता है। ये अदरक, इसके अंदर जो अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट बना के लगाते हैं कि अदरक को जो हाजमा दुरुस्त करती है, उसकी वैसे ही मज़ा बहुत आता है।
लहसुन मत लगाइए, बना लो। ये दो रोटियां तो कम से कम रखनी चाहिए, इतने लोग देखने वाले हैं, दो रोटियां तो होनी चाहिए।